साथियों, अमृत काल में देश के गांव, देश के किसान के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए अब देश के कोऑपरेटिव सेक्टर की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है। सरकार और सहकार मिलकर विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को डबल मजबूती देंगे। आप देखिए, सरकार ने डिजिटल इंडिया से पारदर्शिता को बढ़ाया, सीधा लाभ हर लाभार्थी तक पहुंचाया। आज देश का गरीब से गरीब व्यक्ति भी मानता है कि ऊपरी स्तर से भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद अब खत्म हो गया। अब जब सहकारिता को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ये आवश्यक है कि सामान्य जन, हमारा किसान, हमारा पशुपालक भी रोजमर्रा की जिंदगी में इन बातों को अनुभव करे और वो भी यही बात कहे। ये आवश्यक है कि सहकारी सेक्टर पारदर्शिता का, करप्शन रहित गवर्नेंस का मॉडल बने। देश के सामान्य नागरिक का कोऑपरेटिव पर भरोसा और अधिक मजबूत हो, इसके लिए आवश्यक है कि जितना संभव हो डिजिटल व्यवस्था को सहकारिता में बढ़ावा मिले। कैश लेन देन पर निर्भरता को हमें खत्म करना है। इसके लिए अगर आप अभियान चलाकर प्रयास करेंगे, और आप सब सहकारी क्षेत्र के लोग, मैंने आपका एक बहुत बड़ा काम कर दिया है, मंत्रालय बना दिया, अब आप मेरा एक बड़ा काम कर दीजिए, डिजिटल की तरफ जाना, कैशलेस, पूरा ट्रांसपेरेंसी। अगर हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे तो जरूर तेजी से सफलता मिलेगी। आज भारत की पहचान दुनिया में अपनी डिजिटल लेन देन के लिए होती है। ऐसे में सहकारी समितियां, सहकारी बैंकों को भी इसमें अब अग्रणी रहना होगा। इससे ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ मार्केट में आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और बेहतर प्रतिस्पर्धा भी संभव हो सकेगी। साथियों, प्राथमिक स्तर की सबसे अहम सहकारी समिति यानी पैक्स अब पारदर्शिता और आधुनिकता का मॉडल बनेगी। मुझे बताया गया है कि अभी तक 60,000 से ज्यादा पैक्स का कंप्यूटराइजेशन हो चुका है, और इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। लेकिन बहुत आवश्यक है कि सहकारी समितियां भी अपना काम और बेहतर करें, टेक्नोलॉजी के प्रयोग पर बल दें। जब हर स्तर की सहकारी समितियां कोर बैंकिंग जैसी व्यवस्था अपनाएंगी, जब सदस्य ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को 100% स्वीकार करेंगे, तो इसका देश को बहुत बड़ा लाभ होगा।